ठाण्यातल्या गडकरी रंगायतांमध्ये ठाकरे गटाचा उत्तर भारतीय मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना संबोधन केलं. शिवसेनेतील फुटीनंतर पहिल्यांदाच ठाण्यात ठाकरे गटाचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यातून ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान मोदींवर सडकून टीका केली. विशेष म्हणजे मणिपूर उद्घाटनेवरून ठाकरेंनी मोदींचा चांगला समाचार घेतला. देशातलं सरकार धृत राष्ट्र आहे का असा सवाल यावेळी ठाकरेंनी केला. तर मोदी विश्वगुरु आहेत, मग देशातील महिलांवर अत्याचार का असा सवालही ठाकरेंनी उपस्थित केला. मणिपूर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्र है. आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा. अरे जिस हनुमान ने एक सीता के लिए पूरे लंका का दहन किया, सीता हरण हुआ इसलिए रामायण हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया इसलिए महाभारत हो गया. दुख की बात तो यही है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था तो धृतराष्ट्र बैठे थे वहां राजा, लेकिन उनकी तो दृष्टि नहीं थी, दृष्टिहीन थी. आज की सरकार वहां जो बैठी है वो क्या धृतराष्ट्र है? परी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. अब गोविंद आने की उम्मीद छोड़ दो, गोविंद तो बैठा है अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र जैसे. अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी, खड्ग संभालो. खड्ग संभालने का वक्त आया है अभी. खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे. 50 को के एकदम ओके. मस्तक सब बिक जाएंगे. सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. वो भी आदिवासी है, क्या कर रही है? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति महोदया, आप जिस देश के राष्ट्रपति हो उस देश में महिलाओं की इज्जत भर चौराहे पर लूटी जा रही है, आपको कुछ संवेदना नहीं है? वहां की राज्यपाल महिला है, कुछ कर नहीं रही. अरे हमारे यहां जो राज्यपाल थे कैसे मस्ती करते थे, भेजो उनको वहां पे. मंदिर खोलो, ये खोलो, वो खोलो, क्या इतना आसान था क्या वो कोरोना का संकट? लेकिन ऐसे राज्यपाल वहां क्यों नहीं भेजते? जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए थे और उसकी उन्होंने उनकी लज्जा बचाई थी. लेकिन अब कौन है, कौन बचाएगा? जो विश्व में पूरे ताकतवर नेता है, विश्वगुरु है, महाशक्ति की महाशक्ति, महाशक्तीचा बाप. पण त्यांच्या राजवटीमध्ये महिलांची आबरू लुटली जाते, कसं त्यांची धिंड काढली जाते, कोण बचाएगा मेरे इन माता और भगिनी, जो माता और बहने उनकी इज्जत कोण बचाएगा?